तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये पाइप में आर्क वेल्डिंग मारा जा रहा है। 18 इंच का पाइप है और ये जो रॉड यूज हो रहा है वो 701 एट का रॉड यूज हो रहा है। और देखिए रूट हाफ पास मार दिया गया है आर्गन से। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आर्गन दिखाएंगे किस प्रकार से मारा जाता है। और इसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि आर्क वेल्डिंग कैसे मारा जा रहा है। रूट और हाफ पास ऑलरेडी मार दिया गया है क्योंकि कभी भी रूट मारने के बाद हल्का या थोड़ा सा मोटा हाफ पास मारा जाता है, यानी उसके बाद आर्क वेल्डिंग चालू किया जाता है। क्योंकि क्या होता है कभी कभी पावर के वजह से ज्यादा चांसेस रहता है होल होने का। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो स्क्रिप करके देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा और मजा नहीं आएगा किस तरह से, और देखने में भी आप जब तक आप फूल देखिएगा नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि वेल्डिंग किस तरह से मारा जाता है। तो दोस्तों हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो को। अब देखिए जिस तरीके से वेल्डिंग खत्म होते जा रहा है उस तरीके से आप देख रहे हैं कि पोजीशन चेंज होते रहा है। रड का पोजीशन, वेल्डर का पोजीशन, किस पोजीशन में खड़ा हो रहा है। तो देखिए जिस तरह से जब जब रॉड चेंज होगा या जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे, यानी डाउन से वेल्डिंग चालू होता है, डाउन से जब वेल्डिंग चालू किया है तो देखिए किस तरह से जिस प्रकार से ऊपर के तरफ जाते रहे, यानी वर्टिकल में जैसे ही बढ़ते जा रहे हैं, ये देखिए एक तो मैटिक ये रॉड का पोजीशन चेंज होते जा रहा है, हाथ का पोजीशन चेंज होते जा रहा है। तो एंड तक बने रहिएगा तो आपको समझ में आएगा। अरे देखिए जब भी ये मार रहे हैं किस प्रकार से आगे की तरफ हो रहा है, देखिए आगे की तरफ किस तरह से वेल्डिंग होते जा रहा है। तो रेड लाल होते जा रहा है रूप, यानी कि जो भी कचरा रहता है वो जलते जाता है। जब भी हम आर्क मारते हैं तो जो कचरा अंदर में रहता है वो जल जाता है, तो रूप एकदम चमकने लगता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से, देखिए अभी रॉड खत्म होने वाला है, रॉड खत्म हो गया। तो देखिए दोस्तों रॉड खत्म होने के बाद अब फिर दूसरा रॉड उठाएंगे और देखिए किस तरह से रॉड का पोजीशन चेंज होगा और वेल्डर का भी पोजीशन चेंज हो जाएगा। देखिए अब ये हाइट पे चले गए और हमने देखिए किस तरह से रॉड का पोजीशन चेंज हो गया और इनका भी पोजीशन चेंज हो गया। और देखिए किस तरह से वेल्डिंग मारते हुए जा रहे हैं दोस्तों। तो देखिए जब भी रॉड का पोजीशन चेंज होता है तो समझिए कि वो अपने हिसाब से मारा, ताकि सेलेक्ट मत दबे, सेलेक्ट दबने का ज्यादा चांसेस रहता है। अगर हमारा पोजीशन चेंज पाइप की तरह रोलिंग होते हुए जाएंगे तो क्या साइड पे कभी सेलेक्ट दब जाता है, जब सेलेक्ट दबता है तो आरटी में वो ज्वाइंट फेल हो जाता है, वो पास नहीं होता है। इसलिए दोस्तों ये इस तरह से हमेशा पोजीशन चेंज होते रहता है जब भी वेल्डिंग चालू होता है। तो जब आदमी नीचे से उठाता है बॉटम से और टॉप में आते आते सब पोजीशन आ जाता है। देखिए 5G पोजीशन में 20 टांगा हुआ है, लेकिन देखिए किस प्रकार से वेल्डर का पोजीशन चेंज होते जा रहा है। देखिए तो जब भी रॉड खत्म होता है, देखिए रॉड खत्म हो जाएगा तो जब वेल्डिंग चालू होगा तो आगे से खींच के लेके आएंगे, क्योंकि हम वहीं पर नहीं चालू कर सकते हैं, क्योंकि वहीं पर चालू करेंगे। ये देखिए रूट किस प्रकार से निकला हुआ है, जब वेल्डिंग होने के बाद किस तरह से रूट चमकने लगता है, यानी कि जो कचरा रहता है वो जल जाता है।